नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं DW हिंदी। आज हम आए हैं जर्मनी के गांव दर्शन पर। हम हैं मुखन जीखन गांव में और हम यहां पे बात करेंगे एक फार्म के बारे में। इस फार्म में गाय हैं, घोड़े हैं और दूसरी कई चीज़ें हैं जिनको हम आपको दिखाएंगे। मेरे साथ में नोरा है जो आपको इनका ही ये फार्म है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगी। सो नोरा, प्लीज एलैबोरेट अबाउट ऑल द थिंग्स यू हैव इन योर फार्म। वी कैन गो, वी कैन प्रोसीड। ओके, लेट्स गो। तो हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इनके पास। नोरा ने हमें बताया कि इनके फार्म हाउस में गाय और घोड़े दोनों हैं। गाय करीब 100 हैं और 6 घोड़े हैं। गायों को उनकी उम्र के हिसाब से अलग अलग जगह पर बांधा जाता है। इस जगह पर गाय के छोटे बच्चे बंधे हुए हैं। इन बच्चों को अपनी माँ से अलग ही बांधा जाता है। How do you feed milk to the? Yeah, I have to bring it by hand, no automatics. They don't meet to their mothers? No, they are older, so. नोरा ने हमें बताया कि इन बच्चों को दूध पिलाने के लिए एक बर्तन में दूध यहीं पर ले आया जाता है और ये यहीं दूध पी लेते हैं। इन बच्चों के कानों में जो टैग दिख रहा है वह इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है। जर्मनी में हर जानवर का रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है और उसका नंबर इनके कान में टैग से लगा देते हैं। दूसरी तरफ जो बंदे हैं वो गाय के थोड़े बड़े बच्चे हैं। सामने घोड़ों का अस्तबल है, लेकिन आज अच्छी धूप निकली है तो घोड़ों को अस्तबल से बाहर बांध दिया गया है। नोरा ने बताया कि गायों के चारे का इंतज़ाम खेतों से हो जाता है। जर्मनी में खेतों में घास भी उगाई जाती है। ऐसे में कई बार गायों को बाहर खुला छोड़ दिया जाता है और वो अपने आप खेतों में जाकर घास चराती हैं। नोरा अब हमें बड़ी गायों को दिखाने ले जा रही हैं। बड़ी गायों को भी दो अलग अलग जगह पर बांधा जाता है। यहाँ पर बंधी हुई गायें दूध नहीं देती हैं। इनमें से कुछ गर्भवती हैं और कुछ अभी दूध देने के लिए छोटी हैं। मेरी बाईं तरफ में दिख रही गायें अभी गर्भवती हैं और ये दाईं तरफ वाली गायें अभी छोटी हैं। Yeah, we have one more stable in our village. Then they will go there. In the summer they are the whole time outside of the fields. So, but then I think with something like 2 years they will come back here and we'll get her first baby and then we can make them. ये जब एक दो साल बड़ी हो जाएंगी उसके बाद दूध देने लायक हो जाएंगी। इस बाड़े में गायों के लिए सारे काम जैसे चारा डालना, गोबर उठाना और पानी पिलाना भी मशीनों की मदद से किया जाता है। ये पानी पिलाने की मशीन है। जब भी किसी गाय को प्यास लगती है वो अपना मुंह इस जगह पर रखती है। मुंह रखते ही पानी आना चालू हो जाता है और अपनी प्यास के मुताबिक गाय पानी पी सकती है। गायों के गोबर को इकट्ठा करने के लिए एक छोटे ट्रैक्टर की मदद ली जाती है। ट्रैक्टर के आगे एक लोडर लगा है, वो ट्रैक्टर इस गलियारे में आ जाता है और गायों के गोबर को समेट लेता है। समेटने के बाद इसे एक जगह ले जाया जाता है जहां सारी गायों का गोबर इकट्ठा होता है। इकट्ठे हुए इस गोबर का इस्तेमाल खेतों में खाद के रूप में किया जाता है। गायों को चारा डालने के लिए भी ट्रैक्टर का ही इस्तेमाल किया जाता है। लोडर में भरकर चारा गायों के सामने बने इस गलियारे में डाल दिया जाता है। नोरा ने हमें बताया कि उन्होंने पढ़ाई भी डेयरी फार्मिंग में ही की हुई है, इसी वजह से उन्हें सारी मशीनों का इस्तेमाल भी आता है। साथ ही उन्हें पता है कि किस गाय को कितनी खुराक देनी है जिससे उसके दूध का उत्पादन बढ़ सके। उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्हें अलग अलग एनर्जी फूड्स भी दिए जाते हैं जो उनकी उम्र के हिसाब से होते हैं। ये वो छोटा ट्रैक्टर है जिसमें आगे लोडर लगा हुआ है। इसी लोडर की मदद से चारा डालने और गोबर उठाने जैसे काम होते हैं। नोरा के फार्म में डेयरी फार्मिंग में काम आने वाली अधिकतर मशीनें मौजूद हैं। यही वजह है कि सिर्फ दो लोग मिलकर ही इतने बड़े फार्म को चला सकते हैं। फार्म में इस तरफ गाय के छोटे छोटे बच्चे बंधे हुए हैं। नोरा ने बताया कि नर और मादा छोटे बच्चों को अलग अलग रखा जाता है। नर बच्चों को बस 2 सप्ताह तक दूध पिलाया जाता है, इसके बाद इन्हें सिर्फ चारा खाने के लिए दिया जाता है और 6 महीने का होने पर इन्हें बेच दिया जाता है। बेचने से पैसे भी मिलते हैं और जर्मनी में मांस की आपूर्ति भी बनी रहती है। नोरा अब हमें अपनी दूध देने वाली गायों को दिखाने ले जा रही हैं। दूध देने वाली सारी गायों को इस बाड़े में अलग से बांधा जाता है।
अभी गायों का दूध निकाला जा रहा है, इसलिए बस कुछ ही गाय यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बाकी गाय अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। जब उनका दूध निकाल लिया जाएगा तो वो भी इसी बाड़े में वापस आ जाएंगी। इसी बाड़े के पास दूध का पूरा संयंत्र लगा है। ये स्टोरेज टैंक है जिसमें 5000 लीटर दूध आ जाता है। इस स्टोरेज टैंक का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है जिससे दूध खराब ना हो। पास में स्टोरेज टैंक की कंट्रोल यूनिट लगी हुई है जो इसके तापमान को 4 डिग्री सेल्सियस बनाए रखती है। ऊपर गायों का दूध निकाला जा रहा है। नोरा के पिता अकेले ही ये पूरा काम करते हैं। बाड़े के पीछे बने हुए प्लेटफॉर्म से वो गायों को मशीन के अंदर भेजते हैं। गाय एक एक करके मशीन के अंदर आती चली जाती हैं। जब गाय अंदर आ जाती हैं तो उनके स्तनों को साफ किया जाता है। स्तनों को साफ करने के लिए किसी मशीन का उपयोग नहीं किया जाता, वो अपने हाथों से ही सभी गायों के स्तनों को साफ करते हैं। साफ सफाई के बाद ही गायों को दूध निकालने की मशीन लगाई जा सकती है। जैसे ही मशीन लगाई जाती है, मशीन अपना काम शुरू कर देती है। ये एक निश्चित दाब पे काम करती है, इसी वजह से ये स्तनों से दूध खींच लेती है। ये दूध नली के सहारे जाकर स्टोरेज टैंक में इकट्ठा हो जाता है। How do you feel your future is secure with this dairy farm? नोरा से हमने इस पूरे सेटअप की लागत और इससे होने वाली कमाई के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि उनके पास 100 गाय हैं। एक गाय एक दिन में करीब 24 लीटर दूध देती है। इस तरह वो एक दिन में करीब 2500 लीटर दूध का उत्पादन करते हैं। गायों के चारे का इंतजाम उनके खुद के खेतों से हो जाता है, इसलिए उसकी कोई ज़्यादा लागत नहीं आती है। एक गाय से होने वाली औसत आमदनी के बारे में पूछने पर नोरा ने बताया कि वो साल भर में एक गाय से करीब 800 यूरो यानी 64,000 रुपये कमा लेते हैं। 100 गाय हैं, ऐसे में ये कमाई करीब 64,00,000 रुपये हो जाती है। इस पूरे सेटअप को लगाने की लागत करीब 1,00,000 यूरो लगी थी यानी 80,00,000 रुपये। लेकिन एक बार 80,00,000 रुपये लगाने पर वो साल में 64,00,000 रुपये का मुनाफा कमा लेते हैं। नोरा की पढ़ाई और मशीनों के इस्तेमाल के चलते इतने बड़े डेयरी फार्म को सिर्फ 2 लोग ही संभाल लेते हैं। भारत में खेती और पशुपालन के कामों में मशीनों का इस्तेमाल कम होता है। अगर ये इस्तेमाल बढ़ा दिया जाए तो उत्पादकता भी बढ़ेगी और रोजगार के नए मौके भी पैदा हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक फायदे का सौदा ही होगा।